हे गाइस हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस आज के वीडियो में जो कि आप लोग का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो प्रैक्टिकल वीडियो है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली क्या होता है, जो आप घरों में देखते हैं अपना पंखा चलता है वो हो गया, जो आपका मोटर जो कि पंप का अंदर जो होता है वो भी सिंगल फेज जो होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल वे में समझते हैं। आपने तो फैन वाला सब तो बहुत बार देखा हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि हायर एचपी का है, मतलब कि ज़्यादा एचपी का है, और यहाँ पे कैसे चीज़ों को आप इसके जो पार्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, फिर यहाँ पे जो है आपका रोटर क्या होता है, स्टार्टर क्या होता है। आप लोग रोटर स्टार्टर पर पढ़ के थक गए, लेकिन क्या होता है बेसिकली इन चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे, या टर्मिनल बॉक्स बारे में समझेंगे, इसको कैसे पहचान कीजिएगा बाहर से देख करके कि कौन सा टाइप का मोटर है, एसी है डीसी है, इन चीज़ों को पूरे ए टू जेड आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए एक एक पार्ट्स को हम यहाँ समझते हैं, और इन चीज़ों को हेल्प के लिए, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे बीच जो है हमारे कलीग जो है कौन सर है, इसको इन चीज़ों को कुछ पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पे जो है हमारे दर्शक हैं, और जो तो उन लोग को एक्सप्लेन कीजिए इन पार्ट्स के बारे में क्या क्या यहाँ चीज़ें हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी मोटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है स्टेटर पार्ट्स और दूसरा रोटर पार्ट्स। तो स्टेटर पार्ट्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो स्टेटर पार्ट्स के बाहरी भाग होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सिंगल फेस है। सिंगल फेस की पहचान सबसे पहले हम करेंगे कैपेसिटर से। देखिए इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारा सिंगल फेस की पहचान है। और दूसरी बात यह है कि देखिए सिंगल फेज में चार टर्मिनल होते हैं, ये टर्मिनल बॉक्स है। चार टर्मिनल बॉक्स में आप देख रहे हैं कि एक तो रनिंग की वाइंडिंग आती है और ऊपर स्टार्टिंग की वाइंडिंग आती है, तो इस ये तो आप समझ ही गए होंगे। और ये देखिए हमारा ये जो है एक इसमें बैक कवर होता है और ये एक फ्रंट कवर होता है। अब बैक कवर की पहचान कैसे करेंगे और फ्रंट कवर की पहचान कैसे करेंगे, फ्रंट कवर में हमेशा पुली लगती है और बैक कवर में एम हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बैक कवर में ये बैक कवर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये हमारा बेयरिंग का एंड कवर है। एंड कवर इसलिए लगा हुआ है, इसमें देखिए होल लगा हुआ है ताकि हमारा यहाँ पे शाफ्ट बाहर निकल सके। और ये आप देखिए छेद देख पा रहे होंगे, इस छेद के माध्यम से हम इस पर ऑयल डालते हैं ताकि इसकी बेयरिंग की लुब्रिकेंट बनी रहे। और ये देखिए हमारा ये फ्रंट कवर है, ये फ्रंट कवर में देखिए पुली लगा हुआ है और फ्रंट कवर में भी कवर होता है, इसमें भी देखिए आप देख पा रहे हैं ये होल है, इसमें भी हम बेयरिंग के लुब्रिकेंट के लिए ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर से ही। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसा कि सर ने आप लोग को बताया है कि यहाँ पे जो है एक ओरिफिस होता है, एक छेद होता है, वो तो क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ बेयरिंग सिस्टम है। अगर इसको अगर आपको लुब्रिकेंट करना है, इसको अगर आपको ऑयली थोड़ा करना है ताकि आपका जो आरपीएम है उसमें कमी ना आए, तो उस चीज़ के लिए आपको इसको लुब्रिकेंट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ऑरिफिस में अगर आप इधर से ऑयल डालिएगा तो ये अंदर ही अंदर कहाँ चले जाएगा, हमारा जो बेयरिंग है वहाँ चले जाएगा। अगर मान लीजिए ये सिस्टम नहीं रहता तो इधर से आप कैसे डालिएगा, अंदर तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है, इसको आपको फिर क्या करना होगा, ऐसे उठाना पड़ेगा और यहाँ से आपको जो है आपको लुब्रिकेंट्स डालने पड़ेंगे, इस वजह से यहाँ पे ऑरिफिस दिया गया है। आइए आगे समझते हैं सबसे। तो फिर मैं जैसे बताया कि ये देखिए पुली लगा हुआ है, ये हमारा फ्रंट कवर है और ये हमारा बैक कवर है। तो करने होंगे पुली का इस्तेमाल करें, देखिए पुली का इस्तेमाल ये है कि जैसे कोई भी मील वगैरह में देखिए किसी पट्टे के माध्यम से जब किसी भी चीज़ को हमें घुमाना हो या रोटेट करना, मैंने आपको बताया कि ये पुली के बेल्ट के माध्यम से मील वगैरह में जैसे हम कोई भी चीज़ को चलाना हो या घुमाना हो या रोटेट करना हो तो उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट पे ही पुली चढ़ाया गया है। अब देखिए बैक कवर को हम खोलते हैं और इसके अंदर के पार्ट्स के बारे में समझते हैं। देखिए ये हमने इसको ये देखिए, तो गाइस मैंने इसको अलग कर दिया है। ये देखिए ये रोटर है, ये देखिए दोनों तरफ से ये शॉर्ट किया, ये शॉर्ट ये हमारा ये शाफ्ट है, और ये देखिए हमारा ये देखिए रोटर है, इसको दोनों तरफ से शॉर्ट किया गया है। और ये हमारा देखिए स्टेटर है, ये स्टेटर में देखिए हमारा ये स्लॉट है, ये स्लॉट सब सारे मोटर में अलग अलग होते हैं, किसी में 24 स्लॉट होते हैं, किसी में 36 स्लॉट होते हैं। नेम प्लेट भी मैंने आपको नहीं दिखाया, तो ये नेम प्लेट देख लीजिए, ये नेम प्लेट देखिए लगा हुआ है, इसमें कितना फ्रिक्वेंसी पे ये चलेगा, कितना इसका आरपीएम है, और ये मोटर सिंगल फेस है या थ्री फेस है वो भी इंडिकेट करता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि जहाँ पे कैपेसिटर लगते हैं वहाँ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ही होता है। तो गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए इसमें दो वाइंडिंग स्थापित की हुई है, एक तो रनिंग वाइंडिंग है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि रनिंग वाइंडिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पतले वायर की लपेट संख्या ज़्यादा है और ये मोटे वायर की लपेट संख्या कम है, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस कम बताएगा और इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा।
ठीक है। और आप इसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ स्लॉट जो है 36 है। और इसका आइए हम समझते हैं कि इसकी कनेक्शन कैसे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए इसमें चार टर्मिनल होते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा ये रनिंग के कॉइल आए हुए हैं, ये स्टार्टिंग के कॉइल आए हुए हैं। तो रनिंग कॉइल जैसा कि आप जानते हैं कि रनिंग और स्टार्टिंग को एक साथ सीरीज करके हम उसको कैपेसिटर लगाते हैं, यानी इन दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देंगे, यानी इसके दोनों पे कैपेसिटर लगा देंगे और यहाँ से सप्लाई ले लेंगे, यानी इस पे एक पे उल्टा या सीधा भी हम चला सकते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यहाँ पे हम कनेक्शन देके चला सकते हैं। तो और भी कुछ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए स्क्वायरल केज मोटर है, स्क्वायरल केज मतलब कि स्क्वायरल केज ये रोटर है, तो ये दोनों तरफ से देखिए शॉर्ट किया हुआ है। और इसमें देखिए पहले सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ था, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटाने के बाद फिर देखिए हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच से भी हम इसको चला सकते हैं और एक कैपेसिटर के माध्यम से भी चला सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये छेद क्यों है। ये छेद होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इसके एयर को पास करना। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मोटर में आप देखे होंगे कि एक फ़ैन लगा होता है, कूलिंग फ़ैन लगा, लेकिन यहाँ पे कूलिंग फ़ैन देखिए कोई लगा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ से देखिए ओपन है, यहाँ से भी साफ्ट ओपन है और यहाँ से भी साफ्ट ओपन है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी ओपन है और यहाँ भी ओपन है, तो इसमें क्या होता है एयर पासिंग आसानी से जाती है, इसलिए यहाँ पर कूलिंग फ़ैन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यही सब चीज़ें मैं आपको पार्ट्स बताऊँगा और भी चीज़ें बताऊँगा। ये देखिए इसकी जो बनावट होती है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की ही भांति होती है, बस फर्क इतना होता है कि इसके जो रोटर होते हैं ये थोड़ा सा इसके वायरिंग जो है एंगल होता है वो अलग होता है। जैसे कि आप थ्री फेज में होता है 120 डिग्री का एंगल होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है पूरे लगभग पार्ट्स को यहाँ पे जो है अच्छे से समझ लिया है। बेसिकली जो है कुछ फंडा है इसमें नहीं, सिंपल एक रोटर आपको मिलेगा, कोई भी मोटर हो एक रोटर आपको देखने में, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों का लगभग जो है सभी चीज़ें पार्ट्स वाइज देखा जाए सभी चीज़ एक ही होगी, रोटर और ये हो गया हमारा स्टार्टर, ठीक है। चूँकि ये जो है हमारा सिंगल फेज जो है इंडक्शन मोटर है, हमें यहाँ पे और हमने यहाँ पे जो है परमानेंट जो है मैग्नेट्स का यूज नहीं किया है, इस वजह से हमें यहाँ क्या करना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को बनाना पड़ता है। आपको पता होगा तो थ्री जहाँ हम लोग थ्री फेज अगर की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ईजिली बन जाता है। कैसे बनता है? थ्री जो आपका फेज है उसके कारण जो है जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। पर अगर सिंगल फेज की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे सिंगल फेज में कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कंसेप्ट आता है एक डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। ये एक पार्ट है, वो कभी नेक्स्ट में आपको थ्योरी क्लासेस में समझाऊंगा। पर यहाँ पे हम लोग यूज क्या करते हैं? इस कैपेसिटर का यूज करते हैं और इस कैपेसिटर के जरिए क्या कहते हैं, इस फेजेस को क्या कहते हैं, स्प्लिट किया जाता है। एक सिंगल फेज है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, जहाँ के हम लोग यूज लेते हैं कहाँ पे? दो वाइंडिंग्स का लेते हैं, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, ठीक है। ये स्टार्टिंग पतला वाला, ये मोटा वाला जो है हमका रनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन फंडास को यहाँ पे यूज किया जाता है और यहाँ जो है आपके ये स्टार्टर का पार्ट हो गया पूरा, ये वाला ये आपका जो है योक का सेक्शन हो गया, और बाकी ये जो है एंड स्केप हो गया, फिर ये रोटर हो गया जो स्क्विरल केज है, और यहाँ पे जो है पुली हो गया, ये एक्सल हो गया, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो ये पूरी जो जानकारियाँ थी समझ में आई होगी, और ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन था आई मीन जो है हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों को कुछ अगर डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों का इस वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह की जानकारी इस तरह की जो है वीडियोज़ पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।